रास्ते सारे जाम हो चुके हैं, दिल्ली की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं वो जाम हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ट्रकों की कतार जो है वो चलते, जो रास्ता सुबह तक चल रहा था उस पर ट्रकों की कतार भी आपको दिखाई दे रही है। पिछले हम दूसरी तरफ का आपको दिखाएंगे, सुमित मेरे साथ है। सुमित, किस तरीके से दूसरी तस्वीर भी दिखाना बेहद अहम है। देखिए पूरी तरह से दिल्ली को बंधक बनाने की जो साजिश है वो रची जा रही है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये पूरी तरह से आउटर रिंग रोड जो है वो ठप हो चुका है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अब किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है, ट्रैक्टर है वो अब आउटर रिंग रोड पर दौड़ रही है। और ये यहाँ नहीं रुकने वाले निजाम, ये आगे बढ़ रहे हैं और ISBT क्रॉस होते हुए ये कह रहे हैं कि हम राजपथ तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक लेकिन सुमित अभी भी ये नहीं कह सकते कि वो राजपथ जब जाएंगे उनका, क्योंकि अभी तक सबके अलग अलग रूट है, सबकी अलग अलग स्थिति है। और कोई भी किसान नेता अब जो वर्तमान उनके जो फेसबुक पेज है या वहां से कोई स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। अभी जो कल शाम को हम देख रहे थे कि अलग अलग जो बयान आ रहे थे वो शायद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भटकाने का एक जरिया भी था। बात है कि जो बैठक हुई थी सिंघू बॉर्डर से, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बैठक में जो बातें हुई थी उस बैठक जी बिल्कुल देखिए प्रत्युष हमें लगातार ट्रैक्टरों का जो काफिला उसको फॉलो कर रहे हैं, जो अक्षरधाम से ट्रैक्टर निकल करके गाजीपुर से अक्षरधाम और सीधे ITO पर पहुंचे हैं। हम उन काफिले को फॉलो कर रहे हैं। विशोस हमारे कैमरा पर्सन संजीव आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पूरी रूट पे जहां पर भी आप देखेंगे प्रत्युष सिर्फ आपको ट्रैक्टर और बाइक लगे नजर आएगी। झंडे तो लगाए लेकिन तिरंगे की आड़ में अनुशासन को पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। अनुशासन किस तरह से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया, किस तरह से पुलिस कर्मियों को घायल किया गया है, पत्थरबाजी की गई है जगह जगह। कहा यह गया था कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, ट्रैक्टर रैली निकलेगी, इसमें कोई और वाहन की कोई जगह नहीं होगी, इसमें कोई हथियार नहीं लहराए जाएंगे। लेकिन सारी शर्तों को धत्ता बताते हुए और अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रैक्टर परेड निकली। और देखिए दिल्ली की सीमा के भीतर अब पता चल रहा है कि इनका मकसद साफ था, सेंट्रल दिल्ली की ओर कूच करना। पहले ये मीटिंग में ये कह रहे थे कि नहीं, आपने जो रूट दिया उसी रूट पर हम चलेंगे शांतिपूर्ण अनुशासित होकर, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। और ये देखिए अब ये अक्षरधाम को पार करके ITO, अब ITO से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान कम से कम एक दर्जन से ज्यादा जगह बैरिकेडिंग की गई थी। हमने देखा अक्षरधाम में किस तरीके से बार बार बैरिकेड्स को तोड़ा गया, बार बार दिल्ली पुलिस के जवान फोर्सेस उनको समझा रहे थे कानून का पालन कीजिए, आपने कहा था कि अनुशासन रहेंगे, आपको तो इधर आना भी नहीं था, अब आप आ गए, यही रुकिए, यहाँ सबको वापस जाना है, 5 बजे शाम तक वापस लौटना। लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि ये लोग फिर वापस दोबारा 5 बजे तक लौट पाएंगे या फिर लौटने का इरादा है भी या नहीं। बिल्कुल प्रत्युष, आपने राकेश टिकैत का आपको ऐलान याद है कि गणतंत्र दिवस की परेड पे राजपथ पे हमारे ट्रैक्टर चलेंगे, लग रहा है इनकी मंशा वही है, क्योंकि ITO तक तो पहुंच चुके हैं। इंडिया गेट ITO से बिल्कुल नजदीक है, मात्र 1.5 किलोमीटर है यहाँ से इंडिया गेट। इनकी मंशा सिर्फ रही है कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड में सुबह सेना का शौर्य दिखाए वैसे ही किसान भी अपना दमखम दिखाए। जो ट्रैक्टर की बात कही थी ना ऐलान, ये सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतने सारे बैरिकेड्स तो ये तोड़ चुके हैं। तो क्या लगता है कि अब इंडिया गेट पे पुलिस इनको रोक पाएगी, क्योंकि बवाल की स्थिति ITO पर भी बनी हुई है, भारी संख्या में फोर्सेस भी तैनात है और पुलिस कर्मी पर ही उल्टा पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो टियर गैस की गोले इन पर फेंके जा रहे हैं वो उल्टा पुलिस पर पलटवार कर रहे हैं, यानी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। और ये देखिए वो भी तस्वीर देखिए कि वहां से जो कुछ ऑटोज आ रहे हैं, मतलब जिनको इमरजेंसी में इधर आना है, वो कितने डरे सहमे हुए इधर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है जितनी लेन है इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कहीं पर भी इनको रोकने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, मजबूरी है पुलिस वालों की, इनको समझाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है इनको फॉलो करते हुए, और ये देखिए कई किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं और हर जगह आपको इसी तरीके से ट्रैक्टर में जाते हुए किसान नजर आ रहे हैं लगातार। और बिल्कुल प्रत्युष देखिए ये तस्वीर गणतंत्र दिवस पे, इस तरह की तस्वीर हमने देशवासियों ने कभी नहीं देखी कि गणतंत्र दिवस की कोई ऐसी तस्वीर हो जहां पे देश का अन्नदाता सरकार को दबाने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए, अपना दमखम दिखाने के लिए देश में इस तरह की स्थिति पैदा करे, देश में इस तरह का बवाल पैदा करे। पुलिस की लाख मनाने के बावजूद, इतनी बैठकों के बावजूद पुलिस ने इन्हें रूट दिया जो इनको रूट चाहिए था। इन्होंने कहा 37 शर्तों का पालन करेंगे, जो 37 शर्तें पुलिस ने रखी थी, लेकिन सुबह से एक भी जगह, चाहे सिंघू हो, चाहे टिकरी हो, चाहे गाजीपुर है, एक भी जगह इन्होंने पुलिस की शर्तों का पालन नहीं किया गया। जल्दी से सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं जहां पर सुमित और निजाम वहां पर मौजूद है। जरा बताइए सुमित, वहां के क्या हालात है इस वक्त?
बिल्कुल देखिए हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं प्रत्यूष। देखिए जिस तरह से वादा किया था और वादा खिलाफी ये तमाम किसानों ने कर डाला है, क्योंकि देखिए जो रूट दिया गया था हम उसी रूट से, देखिए बवाना की तरफ सिंगू बॉर्डर के जो तमाम किसान हैं उन्हें उन्हें जो रूट दिया गया था निजाम, वो बवाना की तरफ गया गया था और बवाना के रास्ते हम आए थे तो सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे कि ये तमाम किसान जो है ट्रैक्टर रैली के जरिए वो आएंगे और उनके स्वागत में वो लगे थे। बिल्कुल वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से लोग अभी भी स्वागत के लिए सामान और खाद्य सामग्री रखे हुए, और वहाँ एक भी सड़कों पे गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो रास्ते जो भी सारे थे वो रास्ते ब्लॉक है और बहुत मुश्किल तक अगर आपको यहाँ पहुँचना है इस तरफ रिंग रोड की तरफ तो सारे रास्ते जाम हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि आप जो सिंगू बॉर्डर से जो रवाना हुआ था सुबह ट्रैक्टर का जो रेला और जो ट्रैक्टर के जो किसान, वो अब काफी हद तक दिल्ली के अंदर घुस चुके हैं। बिल्कुल देखिए आईएसबीटी के आगे ये तमाम किसान अब बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जो काफिला है, ये जो तमाम किसानों की रैली है वो करीब 10 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें सिंगू बॉर्डर से, अगर हम बात करें तो अब तक आईएसबीटी तक किसानों की ट्रैक्टर रैली जो है वो पहुंच चुकी है। सुमित, क्या इस सारे देखने के बाद क्या लगता है कि अब ये किसी नेताओं के हाथ में रह गया है? बिल्कुल नहीं, हालात बेकाबू हो गए हैं। किसान जो है देखिए तथाकथित किसान ही कहेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर में जब पुलिस ने बैरिकेटिंग के जरिए निजाम इन लोगों को रोकने की कोशिश करे तो ये मरने पर उतारू थे। देखिए किस तरह से धारदार हथियार से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई, यहां तक लाठियों से डंडों से पुलिस पर जो है वो एक तरह से हमला करने की यहां कोशिश की गई। और देखिए जब पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो किस तरह से वो पुलिस पर हावी हो गए। देखिए पुलिस ने तमाम तरह के संयम बरते, लेकिन जब पुलिस को लगा कि हालात बेकाबू हो गए हैं तो पुलिस ने भी एक तरह से छोड़ दिया कि अब रास्ता छोड़ना पड़ा पुलिस को, क्योंकि वहां जो हालात हो रहे थे वो पूरी तरह से बेकाबू थे और जो संख्या बल था पुलिस का वो कहीं न कहीं नाकाफी साबित हो गया था उनके सामने। जिस साजिश की बात हो रही थी, देखिए डे वन से जी हिंदुस्तान इस बात को कह रहा था कि किस तरह से ये साजिश रची जा रही थी, दिल्ली को बंधक बनाने की जो साजिश थी कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से कामयाब होते हुए दिखा रहे। एक बार तस्वीर हम कहेंगे कैमरा से दिखाने के लिए, जो सिंगू बॉर्डर से जो रास्ता आ रहा है वो किस तरह से दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बढ़ रहा है और ये अब तक जो काफिला है वो आईएसबीटी तक पहुंच गया है। चलेंगे प्रत्यूष और हर्ता के पास। ये फिलहाल 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 हम जो गुजर रहे हैं ये इंद्रप्रस्थ पार्क के पास से हम लोग गुजर रहे हैं, यमुना ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया और ये देखिए ये रास्ता आगे जाकर के आईटीओ मिलेगा और पूरा का पूरा रास्ता आपको पैक नजर आ रहा होगा। ट्रैक्टर जो है धीरे 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 यहाँ से आगे गुजर रहे हैं, इनका मकसद साफ है, ये कह रहे हैं कि आगे कहाँ तक जाना है किसी नेता ने कुछ नहीं बताया, आगे जाके रुकना कहाँ है। हमने कई बार इनसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है, वो कह रहे हैं हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली में कहाँ जाना है इनको कुछ भी नहीं पता, यानी कि ये कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं जा सकता। यानी कि दिल्ली पुलिस ने समझाने की जो कोशिश की इससे पहले जितनी बैठकें और मीटिंग चली सबकी सब बेकार, आज वही हो रहा है जो आज किसान चाह रहे हैं। दिल्ली की सड़क पर एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर है और इस वक्त किसानों की मर्जी चल रही है। अर्षा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रत्युष, जो किसानों ने ऐलान किया था ना 5 दिन पहले कि हम तो निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, पुलिस को जो करना है करे, जो खाना उखाड़ ले, अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस देखे। और ये देखिए बात सही होती साबित हो रही, क्योंकि जहाँ जहाँ बैरिकेड पुलिस ने लगाए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर मोड़ हो, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे इंद्रप्रस्थ हो, हर जगह के बैरिकेड हमें तोड़े हुए नजर आ रहे। और देखिए तिरंगे की आड़ में ही सारा काम किया जा रहा है। प्रत्युष कह रहे थे कि हम तिरंगा लेकर के निकलेंगे, लेकिन तिरंगे को इस तरह से आड़ बना करके निकल रहे और जहाँ भी पुलिस देखे। अब हम आपको देखिए किस तरह से ट्रैक्टर कितनी रफ्तार में है और वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। इस जगह आंसू गैस के गोले दागे गए, लिहाजा खड़े रहना मुश्किल है। लेकिन ये देखिए आईटीओ की तस्वीरें, आईटीओ की तस्वीरें देखिए सचिन, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप जहाँ ट्रैक्टर जहाँ से पूरे लगे हुए हैं, दरअसल PWD का हेडक्वार्टर है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो लिखा हुआ है, उस बिल्डिंग के सामने पूरी सड़क पर ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं। देखिए इस चौराहे पर किस तरह से इस गाड़ी को तोड़ा गया सचिन, ये भी देखिए ये आंदोलन की तस्वीर है, ये देखिए ये आंदोलन की तस्वीर है और ये गाड़ी ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारियों की ही साथ में चल रही थी। ट्रैक्टर रैली भले ही थी लेकिन ये देखिए किस तरह के हालात हैं, पत्थरबाजी किस तरह की गई है उसकी भी तस्वीर है। देखिए अभी जाके ट्रैक्टर कुछ आगे इधर की तरफ मुड़े हैं, ये जो रास्ता जाता है ये रास्ता दिल्ली गेट की तरफ दरियागंज की तरफ रास्ता है। और ये देखिए अब इस तरह से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर मोड़ रहे हैं जब पुलिस ने स्थिति काबू में करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं
सचिन, मैंने इस तरह से ITO पर तस्वीरें कभी नहीं देखी है। जिस तरह से आज हालात बने थे, लगातार इस तरह से बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे थे, लाठियां भानी जा रही थी, और ये देखिए अब ये ट्रैक्टर रुक गए हैं। जो ट्रैक्टर थे ये, सचिन हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालात थे। देखिए ये प्रदर्शनकारी ये ट्रैक्टर छोड़ के अभी भागे हैं। ये आपको ये देखिए ये हम आपको आगे के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के हालात। ये देखिए ये प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए ट्रैक्टर के नीचे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए ये सचिन, ये कोशिश की जा रही है। देखिए अब पुलिसकर्मी आगे बढ़े हैं, हम इन्हीं के साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से। देखिए ये देखिए आप पुलिस ने इनको पीटना शुरू किया है। ये देखिए इन्होंने, ये तस्वीरें ITO की थी। ITO सचिन, ये प्रदर्शनकारी लगातार हंगामा कर रहे थे, लगातार। ये देखिए वो लोग ट्रैक्टर में उनको कंट्रोल में करने की कोशिश, क्योंकि आते ही इन्होंने बड़ा हंगामा किया, लिहाजा कोशिश की गई उनको काबू में करने की। और ये देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, लिहाजा इनको अब पुलिसकर्मी बल प्रयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश की कंट्रोल कर। ये देखिए हम आपको ये खाली ट्रैक्टर है, देखिए हम आपको इसमें भी बता दें ये किस तरह से तस्वीरें हैं। ये हम आपको सचिन इस पर हमें बताने की कोशिश करते हैं, हाँ ट्रैक्टर से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह सचिन। देखिए यहाँ किस तरह के हालात हैं, वो तस्वीर यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। कितने सारे ट्रैक्टर हैं उसमें, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर लगे हैं। और ये देखिए ये एक तरफ सचिन, इधर भी ट्रैक्टर पूरी तरह खड़े हैं, क्योंकि पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े तो तब ये ट्रैक्टर छोड़ के भागे हैं तमाम लोग। नहीं तो आप सोचिए, किसान नेता कह रहे थे कि लेन का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, ऐसी दलीलें दी जा रही थी, लेकिन जब हजारों की संख्या में ट्रैक्टर बढ़ेंगे तो फिर उनको काबू करना मुश्किल होता है। और ये तस्वीर आज दिखा रही है कि अगर इतने बड़े प्रदर्शन में अनुमति दी जाती है इस तरह से तो हालात। देखिए यही आलम दिल्ली, जितने भी बॉर्डर से ट्रैक्टर इस वक्त निकले हैं, हर जगह की यही तस्वीर नजर आ रही है। आपको यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आज जितने भी लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने अब तय किया कि आज के दिन निकलना ही नहीं है घर से बाहर। कई लोग इमरजेंसी में निकले हैं, जहां तहां वो फंसे हुए हैं, कहीं वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। कई सारे कैब बीच में फंस गई है, ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैक्टर यहाँ पर नजर आएंगे। आगे जाकर इनका एंड कहाँ होगा इस ट्रैक्टर परेड का, किसी को कुछ भी नहीं पता। ITO की तस्वीर आपने देखी, अभिषेक ने दिखाई वहां पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले वहां पर दागने पड़े। अक्षरधाम में भी वही हालत थी। हर्षा बिल्कुल आप ठीक कह रहे प्रत्युष, और देखिए जैसा आपने खुद बताया कि पैर रखने की जगह नहीं है। ये वो दिल्ली है, दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस होता था तो परेड के बाद लोग घरों से निकलते थे, इंडिया गेट घूमने जाते थे, अपने घरों घर वाले सब निकलते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन आज गणतंत्र दिवस की तस्वीरें बिल्कुल उलट है। दोपहर के 12 बजे से और सुबह के 10 बजे से हम लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं, हर जगह पूरी दिल्ली में सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। इनको आउटर दिल्ली आउटर रिंग रोड की परमिशन दी गई थी, लेकिन वो रूट इन्होंने लिया ही नहीं। और प्रत्युष इसको इनकी साजिश कहा जाए, इनको इनकी पूरी ठोस प्लानिंग की जाए कि उन्होंने पहले सोचा हुआ था कि पुलिस से रूट मैप ले लेंगे, पुलिस को हम कह देंगे कि हमको ट्रैक्टर रैली निकालने दीजिए, हम बवाल नहीं करेंगे। लेकिन देखिए हुआ वही, सुबह से जहां जहां बैरिकेड लगे थे हर जगह के बैरिकेड तोड़े गए। इनके जो किसान नेता है जो ये कह रहे थे कि हम अपने किसानों को बोलेंगे कि वो रूट फॉलो करें, ये किसान नेता सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। प्रत्युष राकेश जी कहते हैं सुबह क्या कहा था, वही रूट निकालेंगे जो पुलिस निकाले। इस पूरे रूट पे कहीं टिकट नजर आए, कहीं टिकट नजर आए रोकने के लिए अपने किसानों को। और भारत के भारतीय किसान यूनियन के में हर वो किसान नजर आया है जो टिकट के साथ रहता है। तो क्या माना जाए कि ये टिकट की स्ट्रैटेजी है, ये इन किसान नेताओं की स्ट्रैटेजी है दिल्ली के अनुशासन को की धज्जियां उड़ाने की। देखिए और जितने भी आपको नजर आएंगे ना झंडे, सारे के सारे आपको इसमें BKU के झंडे नजर आएंगे। तय हुआ था कि जो रूट उनको दिया गया है उसी रूट से निकलेंगे। राकेश जी कहती पहले कह रहे थे, यही कह रहे थे कि हम उसी रूट से निकलेंगे, लेकिन देखिए हुआ वही जो इससे पहले बंधेर ने कहा था कि हम अपने बनाए हुए रूट पर निकलेंगे। आशंका ऐसी बात की थी
कि जैसे ही वहां पर गणतंत्र दिवस पर परेड शुरू होगा यहां पर ये तमाशा खड़ा कर सकते हैं। एक तरफ गणतंत्र दिवस पर शौर्य की तस्वीरें सामने आ रही थी और दूसरी तरफ उसी देश में राजधानी दिल्ली में ये ट्रैक्टर परेड सड़क पर हंगामा मचाते हुए किसान उपद्रवी और ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से धीरे धीरे करके ये ट्रैक्टरों का काफिला आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी चिंता में दिल्ली पुलिस इस वक्त पड़ी हुई है, क्योंकि जितने भी बैरिकेड्स लगाए गए थे, वायदा किया था इन्होंने अनुशासन में हम आगे बढ़ेंगे, हम दिल्ली के बिल्कुल भीतर नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो सारी चीजें एक ताक पर रख दी गई है। अब इनका इरादा एक ही है, सीधे दिल्ली के भीतर सेंट्रल दिल्ली की ओर दाखिल होना। अभी वापस लौटेंगे भी या नहीं ये कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, और देखिए प्रत्युष, इनका जो मकसद था कि इंडिया गेट पर हम पहुंचेंगे, इंडिया गेट पर हम अपनी परेड निकालेंगे, हम अलग से परेड निकालेंगे, हमने गणतंत्र दिवस के लिए झंडे लगाए ट्रैक्टरों में इंडिया गेट, और देखिए अब वो उनकी मंशा पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए गाजीपुर से अक्षरधाम से आईटीओ से सीधा इंडिया गेट, यही इनकी पूरी ठोस प्लानिंग है। अब इनके नेता इनको कहां रुकने के लिए कहेंगे, ये क्लैरिटी इन तमाम किसानों को खुद नहीं है। और इसे किस तरह से देखा जाए, ये किसान किसी एंगल से नहीं दिखते प्रत्युष, जो किसान पुलिस पर पत्थरबाजी करे, जो किसान तलवार से पुलिस पर हमला करे, जो धारदार हथियार लेकर के परेड में आ रहा है, वो दंगाई हो सकता है प्रत्युष, किसान तो नहीं हो सकता है। देखिए पुलिस ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, कई जगह बॉर्डर पर हमने देखा भी बैरिकेड जिस तरीके से किसान तोड़ रहे थे, ट्रैक्टर को आगे बढ़ा रहे थे, कई पुलिस वालों पर वो ट्रैक्टर चढ़ भी सकता था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने वहां पर काफी संयम से धैर्य से काम लिया। जब उन्होंने नहीं मानी बात तब फिर पुलिस वाले वहां से हटे और उन्होंने बिल्कुल बैरिकेड को धक्का दिया और बैरिकेड तोड़ते हुए वो आगे बढ़े, क्योंकि पुलिस ने भी ये कहा कि देखिए हमें यहाँ पर कोई बल प्रयोग नहीं करना है वरना बात बिगड़ सकती है। इसलिए अब आगे तुरंत पुलिस को यहाँ पर अपनी रणनीति तुरंत बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये और अंदर दाखिल होते गए तो फिर इनको रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बात शाम 5 बजे तक की थी और देखिए इस वक्त 1:15 बज गए हैं और अभी भी कई सारे ट्रैक्टर कतार में खड़े हुए सैकड़ों की संख्या में। अभी वो कह रहे हैं सारे के सारे आईटीओ से आगे सेंट्रल दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, सोचिए कि इनको जाने में ही 5 से 6 बज जाएंगे, फिर ये लौटेंगे कब। बिल्कुल प्रत्युष, और देखिए शुरू से ये चाह रहे थे कि इनको बॉर्डर पे ना रोका जाए, इनको जंतर मंतर दिया जाए आंदोलन के लिए, इनको रामलीला ग्राउंड दिया जाए आंदोलन के लिए, अब यहाँ से वापस अपने आंदोलन स्थल पे जाएंगे या फिर आंदोलन स्थल बदल देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आईटीओ से इंडिया गेट होते हुए जंतर मंतर जाने की जिद करे और इतने सारे ट्रैक्टर प्रत्युष आज तो गणतंत्र दिवस बिल्कुल। और इस वक्त आईडियो से अभिषेक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अभिषेक, अभी फिलहाल तस्वीरें आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि आईडियो की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, वहां पर बवाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पर ना स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर मैं बता दूं हजारों की संख्या में फोर्स तैनात है और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर तैनात है जिनके ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। यहाँ डीटीसी की बसें जो पुलिस की खड़ी थी, तकरीबन 5-6 बसें बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दी गई। आईटीओ पर जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया गया, मतलब अगर इस वक्त यहाँ के हालात देखे जाए पीएचक्यू के सामने बिल्कुल आईटीओ के चौक पर जो चौराहा है, एक जो राजपथ की तरफ जाता है, एक मंडी हाउस की तरफ जाता है, दूसरा दिल्ली इस रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, वो पूरे चौराहा पे इस वक्त मौजूद पुलिस के साथ मेरे 4 कदम की दूरी पर यह दंगाई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस मार गई को भगाने की पूरी कोशिश कर दिया, आंसू के छिकोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर हजारों की संख्या में यहाँ पे छोड़ के भाग गए हैं। लगातार मेरी आवाज जो खराब हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आंसू के छिकोले छोड़े जा रहे हैं और आंखों में पानी, बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले घायल हो गए, तलवार से पुलिस वालों पे हमला किया गया है, मेरे सामने पुलिस वाले का हाथ कट गया तलवार से, उसके हाथ से खून आ रहा है, उसके अलावा पत्थरबाजी की जा रही है, 2 पुलिस वालों के सर फट गए हैं। लगातार इन दंगाइयों की तरफ से इस तरीके की हरकत इस वक्त आईटीओ पर किया जा रहा है, बिल्कुल पुलिस बीच में है और चारों तरफ मैं आपको बता दूं राजपथ की तरफ कुछ ये दंगाई भागे हैं, कुछ दंगाई यहाँ जो अक्षरधाम वाला रास्ता पीएचक्यू क्वार्टर के बिल्कुल सामने है और आईटीओ की तरफ से मंडी हाउस की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और वहां से आगे कोई नहीं बढ़ पाया है। लगातार हजारों की संख्या में जो यहां पर ट्रैक्टर है उनको छोड़ के ये दंगाई पीछे हो गए, मतलब ट्रैक्टर बिल्कुल खाली है, ट्रैक्टर यहां पर पड़े हुए हैं और उन पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, इनके भी झंडे लगे हुए हैं, लेकिन अभी दंगाइयों को खदेड़ के थोड़ा सा पीछे किया गया है। ये लगातार फिर हल्ला करते हुए आप आवाज सुन सकते हैं, देखिए फिर से शुरू हो गई है बवाल, फिर से लाठीचार्ज की स्थिति शुरू हो गई, फिर ट्रैक्टर चालू करके यहाँ पे बवाल की स्थिति, ये भयंकर यहाँ पर स्थिति। अगर इस वक्त मंजर यहाँ देखा जाए तो मंजर बहुत भयावह है,
यहाँ पर यहाँ से ट्रैक्टर ही नहीं ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी। देखिए पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं पीछे रहिए, आपको चोट लग जाएगी, लेकिन पीछे रहूंगा मैं, अपने जवानों के साथ आगे बढ़ूंगा। आपको मैं लगातार यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ की स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। पूरा का पूरा आईटीओ मेट्रो स्टेशन जो गेट है वो कब्जा कर लिया गया है। पीएचयू हेडक्वार्टर जो है पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर व्हाइट वाला वो बुरी तरीके से चेचड़ है, सारी की सारी बैरिकेडिंग तोड़ गई है। हजारों की संख्या में यहाँ जो ट्रैक्टर है पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से सारे के सारे ट्रैक्टर छोड़ के ये दंगाई हो गए, अपने जगह यहाँ से भागना पड़ रहा है। लगातार ये दंगाई पुलिस के साथ कर रहे हैं, कुछ ने तलवार चलाई है, जो पुलिस को चोट लगी है, पुलिस के हाथ पड़ गए, सर फट गए, लेकिन शीशे तोड़ दिए गए गाड़ियों के, बीटीसी बस को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। बस आप समझिए कि आगजनी नहीं हुई है, उसके अलावा सब कुछ हो चुका है जी। शेख बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, मंजर इतना भयानक है, बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस वालों पर लाठियों से हमला किया जा रहा है, यहां तक कि तलवारों से हमला किया गया है। रमन का हम रुख कर लेते हैं, रमन आप बताइए क्या मंजर वहां पर? था जो कि ट्रैक्टर मार्च किया गया था, लेकिन उसके बाद दाईं तरफ मुड़ना था उन्हें नांगलोई के पास से, लेकिन ये आगे बढ़ते चले गए। ये महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट के पास स्टेडियम के पास मेट्रो स्टेडियम के पास तक ये जो ट्रैक्टर है कुछ किसान लेकर आ गए, और उसके बाद हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का यहां पर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हैवी चलिए ठीक है रमन लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हो। अभिषेक वहां पर क्या हालात है? धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है, यहाँ पर डीसीपी लेवल और ज्वाइंट सिटी लेवल के सारे अधिकारी मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, दिल्ली पुलिस भी है, लगातार हम ट्रैक्टर पर चढ़ के सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। मेरे सामने इस वक्त हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो खाली है, पुलिस ने इन दंगाइयों को पीट कर भगाया है, अब ये कुछ दूरी पर चले गए, ट्रैक्टर छोड़ के चले गए, लेकिन जो पूरा आईटीओ है ये ट्रैक्टर से पटा हुआ, ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर की जो दूरी है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टरों से पटा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर का रेला दिखाई दे रहा है, उस पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है, ये पीछे अभी भागे हुआ 1/2 किलोमीटर, ये दोबारा वहां से डंडे लेकर पत्थर लेकर चले आ रहे, लगातार आपकी गैस से घोड़े देखे फेंके जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन की भी तारीख कर ली गई है, लेकिन इस वक्त जो आईटीओ की स्थिति है ना, जो आईटीओ बड़ा खूबसूरत हुआ करता था पीएचक्यू के सामने की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पूरा रोक दिया इन लोगों ने, जितनी बैरिकेडिंग लगी हुई थी स्टील की वो स्टील की बैरिकेडिंग गिरा दी गई है, तोड़ दी गई है, मतलब अब बैरिकेडिंग नहीं है। डीटीसी की 4-5 बसें लगी हुई थी, पुलिस की उस बसों को बुरी तरीके से तोड़ा गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, मतलब अगर आग नहीं लगाया गया उसके अलावा उसकी स्थिति आप समझ सकती है मंजर में क्या है। मैंने तस्वीरें भी भेजी हुई है, इस वक्त हजारों की संख्या में यहाँ पे फोर्स है, आवाजें आप सुन रही है, देखिए फिर घुस गए, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर फिर घुस गए, फिर पुलिस उनके पीछे झंडा लेकर तैयार, ये लगातार पुलिस के साथ जानबूझकर लड़ने के लिए घुस रहे हैं, लगातार देखिए बार बार पुलिस के साथ ये जानबूझकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर से पगड़ी बांधे हुए ये सरदार पंजाबियों को बदनाम कर रही है, ये किसान नहीं है, ये दंगाई है, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे हरकतें दिखाई दे रही है वो दंगाइयों की है। किसान तलवार लेके पुलिस से हमला नहीं करता है, मेरे सामने मेरे बगल में खड़ा हुआ पुलिस मार दिया गया तलवार से, उसका हाथ कट गया पूरी तरीके से, देखिए लगातार पीछे भागना पड़ रहा है, ये देखिए भागते हुए सचिन, इनके पत्थर और लाठियों, ये देखिए सचिन किस तरह से प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं, ये देखिए पीछे की तस्वीरें दिखाते कैमरा सही खड़ा, ये देखिए तस्वीर है, ये अपने आप को किसान कहते हैं, क्या ये लोग किसान हो सकते हैं जो इस तरह से नई दिल्ली के इलाके में कानून व्यवस्था के लिए हालात पैदा कर रहे हैं? और आप देखिए होता पिछले हम आधे घंटे से ज़्यादा वक्त से देख रहे हैं, पुलिस जैसे ही उनको कंट्रोल में करती है, काबू में करती है, उससे कुछ लोग बात करने आते हैं, और जैसे ही स्थिति काबू में होती है उसके बाद फिर पत्थरबाजी लाठियाँ फेंकनी शुरू हो जाती है। और ये आईटीओ चौराहे की तस्वीर है, चारों तरफ के रास्ते जाम हो गए हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर भी है जो लक्ष्मीनगर की तरफ जाने वाला रोड है, सुरक्षा दिल्ली पुलिस के जवान अर्धसैनिक बलों के जवान मुस्तैदी से
कमर कस रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस को अंदाजा नहीं रहा होगा कि आईटीओ पर इतनी बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर के साथ आ जाएंगे। अभिषेक, आप तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाते रहिए, दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, और देखिए किस तरीके के हालात पूरे देश में गणतंत्र दिवस के दिन बन चुके हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द होंगे हाजिर। ये महाकवरेज लगातार जारी है। और ये देखिए दोबारा से लक्ष्मी नगर की तरफ से प्रदर्शनकारी भागे हैं, आईटीओ की तरफ आए हैं। पुलिस उनको बार बार काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से पत्थरबाजी होती है और लाठियां फेंकी जाती हैं, हालात बेकाबू होने लगते हैं, लिहाजा फिर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है। और ये देखिए चौराहे की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं सचिन, कि इस चौराहे के एक जो दरियागंज जाने वाला रोड है आईटीओ से, उस पर बड़ी तादाद में ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं, प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। और जो लक्ष्मी नगर से आने वाला रोड है, इस पर तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर जहां तक हमारी नज़र जा रही है, ट्रैक्टर खड़े हैं और प्रदर्शनकारी हमने देखा है कि जो युवा हैं, खासतौर से इस जो आगे के ट्रैक्टर हैं तकरीबन 1 किलोमीटर के हिस्से के, उसमें अधिकतर युवा हैं लाठी डंडों के साथ, और वो पथराव भी कर रहे हैं। और ये शुरुआत में जब पहुँचे यहाँ पर तो बड़ी संख्या में पत्थर उठा के फेंकने शुरू किए, इसके बाद बस तोड़ी गई। और आप देखिए, अगर आईटीओ चौराहे की तस्वीर आप चारों तरफ से देखें तो ट्रैक्टर किस तरह से चारों तरफ से घुमा के चौराहे को ब्लॉक कर दिया गया है आईटीओ पर। और आप, हमने आपको वो तस्वीर भी बताई कि किस तरह से हिंसा में एक पुलिसकर्मी को तलवार लगी हाथ में, वो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक जो बुजुर्ग सज्जन थे उनके सिर पर भी चोट आई, खून बह रहा था, वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई कि आखिर इस प्रदर्शन का मकसद क्या, हिंसा फैलाना था, अराजकता की स्थिति पैदा करना था, क्योंकि किसान नेताओं ने पहले ही कहा था दिल्ली पुलिस से कि वो जो है बातचीत हुई है, जो भी तय हुआ है रूट उसका पालन करेंगे और अनुशासन के साथ रहेंगे। लेकिन आईटीओ पर जिस तरह, जी ये देखिए, ये तस्वीर ये देखिए, पुलिसकर्मियों को किस तरह से निशाना बनाया गया है, ये क्या लगा है, पत्थर या तलवार, जो तलवार लहराई जा रही थी। क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल किशन कुमार। किशन कुमार जी को ये देखिए खून बह रहा है हथेली से, और एक और पुलिसकर्मी को तलवार हाथ में लगी है। हाँ। किशन कुमार जी, ये कहां जब आप काबू कर रहे थे? हाँ, यहाँ इस साइड में, लक्ष्मी नगर साइड में। हाँ। साइड में यहाँ पीछे। हाँ। रोड पे पीछे। हाँ। तो भाग के आए? हाँ, भाग के आए, सरदार बोले था तलवार, मैंने पकड़ने की कोशिश करी, वो ऐसे लगी। ये भयानक तस्वीर है, देखिए पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तलवार को काबू में करने की। हाँ। अभी यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे किसानों को रोक रहे थे, किसानों को अपने सामने रख रहे थे, एक तरफ सुरक्षा कर्मी, एक तरफ किसान, तो किसानों क्या, अभी भी देखिए सीधे तौर पे सुरक्षा कर्मी एक तरफ और ट्रैक्टर से किसान एक तरफ। अब किसान जो है इसी ट्रैक्टर को सुरक्षा तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तमाम बॉर्डर से हम आपको हालात बता रहे हैं किस तरीके से किसानों के हाथ में तलवार। क्या यही वादा था, यही किसानों का वादा था? किसानों ने कहा कि हमें परमिशन दीजिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। क्या यह शांतिपूर्ण तरीका किसानों का, आज पूरा देश देख रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो कि किसानों के भेष में उग्रवादी हैं, और इन उग्रवादियों को पहचानिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से निकले। और आईटीओ की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं, यहाँ पर लाठियों के जरिए, तलवारों के जरिए पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इन्हें समझाने की भी कोशिश शुरुआती दौर में की गई, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक ट्रैक्टर पर सवार होकर ये लोग किस तरीके से वहां पर हुड़दंग काटते हुए पुलिस वालों पर हमला करते हुए सुरक्षा बल वहां पर जो मौजूद है। देखिए ट्रैक्टर पर सवार ये शख्स जो कि लगातार इन सुरक्षा बलों पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए ये बीच सड़क पर किस तरीके से ट्रैक्टर के जरिए हमला करने की कोशिश इन पुलिस वालों पर, सुरक्षा बलों पर जो कि वहां पर तैनात है। और इसी तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, आईटीओ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं, और इन्हीं वजहों से लगातार परमिशन इन किसानों को नहीं दी जा रही थी ट्रैक्टर परेड को लेकर, लेकिन इनका वादा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकलेगी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से
ट्रैक्टर के जरिए वहां पर माहौल को खराब करते हुए और लगातार सुरक्षा बलों पर हमला भी किया जा रहा है। आईटीओ की लाइव तस्वीरें आप देखिए, लाठियों के साथ ये लोग आगे बढ़ते हुए और पुलिस पर हमला करते हुए बैरिकेड्स जो लगाई गई थी उन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और एक के बाद एक इसी तरीके से वहां के माहौल को खराब करते हुए, हालांकि ये सुरक्षा बल जो कि वहां पर मुस्तैद है, पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को वहां पर रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद जोर जबरदस्ती